नमस्कार दोस्तों, पाथफाइंडर में आप सभी का स्वागत है। मेरा नाम है डॉक्टर महिपाल सिंह राठौड़ और आज इस वीडियो में मैं आपके साथ डिस्कस करने जा रहा हूँ स्फूर्ति स्कीम के बारे में। देखो, अभी अभी कुछ ही दिन पहले नितिन गडकरी जी, जो कि मंत्री हैं एमएसएमई के, उन्होंने स्फूर्ति क्लस्टर्स इनॉग्रेट किए हैं। कितने? 50। लेकिन ये स्कीम काफी पुरानी है, इसमें कुछ नए एडिशंस अभी किए गए हैं। तो स्फूर्ति स्कीम के बारे में आपको पता होना चाहिए। थोड़ा सा बोरिंग टॉपिक है, मैं जानता हूं, लेकिन एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफी इंपॉर्टेंट है, तो इसको अच्छे से समझो। और स्फूर्ति स्कीम की डिटेल्स क्या है वो आप जानो, क्योंकि प्रीलिम्स में यूपीएससी इस तरह की स्कीम्स उठाता है और उनकी डिटेल्स पूछता है। चार स्टेटमेंट पूछे जाएंगे कि इस स्कीम से रिलेटेड ये वाला स्टेटमेंट सही है या गलत है, और आपको फिर उसके बारे में जानकारी नहीं होगी। तो इसीलिए इस तरह की स्कीम्स आप बिल्कुल अच्छे से पढ़ के जाइए, खास करके तब जब प्रीलिम्स के 4 महीने पहले ही ये स्फूर्ति क्लस्टर्स अभी इनोग्रेट हुए हैं। अब आप लोगों के लिए एक क्वेश्चन है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट रिगार्डिंग द नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम इंडस्ट्रीज एंटरप्राइजेस, NIMSME। इससे संबंधित 4 स्टेटमेंट दिए गए हैं, आपको बताना है कि कौन सा इनमें से सही है। आंसर आपको मिलेगा लेक्चर के अंत में, लेकिन आप कमेंट जरूर कीजिएगा। तो 22 फरवरी को एमएसएमई मिनिस्टर नितिन गडकरी जी ने 50 आर्टिसन बेस्ड स्फूर्ति क्लस्टर इनॉग्रेट किया। अब आप यहीं से समझ गए होंगे कि कुछ ना कुछ इसका लेना देना हैंडीक्राफ्ट या आर्टिसन से है, तो बिल्कुल आप सही समझे हैं। तो ये वाले क्लस्टर्स 18 स्टेट्स में हैं, लेकिन वैसे इसके क्लस्टर्स भारत के लगभग सभी राज्यों में फैले हुए हैं। स्फूर्ति का फुल फॉर्म क्या है? स्कीम ऑफ फंड फॉर रीजनरेशन ऑफ ट्रेडिशनल इंडस्ट्री, यानी कि जो हमारी पारंपरिक इंडस्ट्रीज हैं, स्मॉल इंडस्ट्री हैं, उनको फिर से बढ़ावा देने के लिए, रीजनरेट करने के लिए ये स्कीम चालू करी गई थी। इसमें गवर्नमेंट फंडिंग देती है, सेंट्रल सेक्टर स्कीम है ये आपको बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये पॉइंट, इसको याद रखना है कि सेंट्रल सेक्टर स्कीम है स्फूर्ति, और इसको 2005 में लॉन्च किया गया था मिनिस्ट्री ऑफ एमएसएमई के द्वारा। और इसका मेन जो मकसद है वो क्या है कि क्लस्टर डेवलप करो। ऐसा नहीं है कि केवल एक जगह पर 2 या 4 इंडस्ट्री हैं, बल्कि क्लस्टर ऑफ इंडस्ट्री हैं, बहुत सारे ग्रुप्स हैं जो इकट्ठा होकर एक ही जगह पर एक तरह का काम कर रहे हैं। कोई एक पर्टिकुलर स्मॉल इंडस्ट्री है, तो उस क्लस्टर को बढ़ावा दिया जाए इस स्कीम के माध्यम से, ये यहां का लक्ष्य है। तो स्फूर्ति स्कीम के बारे में अगर मेंस में आपको कुछ पॉइंट्स लिखने हैं तो आप ये लिख सकते हैं। इस स्कीम का एम क्या है? टू ऑर्गेनाइज द ट्रेडिशनल इंडस्ट्रीज एंड आर्टिसंस इनटू क्लस्टर्स टू मेक देम कॉम्पिटिटिव एंड प्रोवाइड सपोर्ट फॉर देयर लॉन्ग टर्म सस्टेनेबिलिटी, यानी उनको एक जगह पर इकट्ठा करके इस तरह से सपोर्ट दिया जाए कि वो मार्केट में कॉम्पिटिटिव हो सके। अलग अलग अगर काम करते हैं तो उनके प्रोडक्ट्स महंगे होते हैं, लेकिन अगर क्लस्टर के रूप में उनको डेवलप किया जाए तो एक तो उनका प्रोडक्ट कॉम्पिटिटिव होगा और लंबे समय तक वो अपने आप को सस्टेन कर पाएंगे। तो इससे क्या होगा कि एम्प्लॉयमेंट जनरेट होगा। जो आज का युवा, आज की नौजवान पीढ़ी इन ट्रेडिशनल हैंडीक्राफ्ट्स को छोड़कर दूसरे जॉब्स की तरफ जा रहा है, वो शायद थोड़ा सा कम होगा और इन प्रोडक्ट्स की मार्केटेबिलिटी बढ़ जाएगी। और ये जो ट्रेडिशनल आर्टिसंस हैं, इनके स्किल्स भी यहां पर बढ़ाए जा सकते हैं, इनकी स्किल्स को भी बेहतर करने के लिए यहां पर स्कीम चलाई जा सकती है। तो यहां पर कॉमन फैसिलिटी बनाई जाती है, इंप्रूव्ड टूल्स और इक्विपमेंट लाए जाते हैं आर्टिसंस के लिए, और क्लस्टर गवर्नेंस सिस्टम को बेहतर बनाने के लिए इन स्टेक होल्डर्स को ही शामिल किया जाता है, यानी कि ये जो कारीगर हैं, आर्टिसंस हैं, हैंडीक्राफ्ट बनाने वाले हैं, इन्हीं को शामिल किया जाता है इस मैनेजमेंट में। किस तरह से, मैं आगे आपको बताता हूँ कौन कौन से तरीके हैं, ट्रस्ट है, कंपनी है, कुछ भी बना के उनको खुद को इस क्लस्टर गवर्नेंस के अंदर एक भागीदार बनाया जाता है। तो इससे क्या होगा, इनोवेटेड एंड ट्रेडिशनल स्किल्स डेवलप होती हैं और टेक्नोलॉजी इंप्रूव होगी, प्रोसेस इंप्रूव होगा और पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप के नए मॉडल हम खोल सकते हैं। तो यहां पर क्या है कि देखो, स्फूर्ति स्कीम जब चालू करी गई थी तो कुछ पुरानी स्कीम्स को इसमें मर्ज कर दिया गया था। वो कौन सी स्कीम थी? एनहेंसिंग प्रोडक्टिविटी एंड कॉम्पिटिटिवनेस ऑफ खादी इंडस्ट्री एंड आर्टिसंस, ये वाली स्कीम, प्रोडक्ट डेवलपमेंट डिजाइन एंड इंटरवेंशन एंड पैकेजिंग स्कीम प्रोडिप, और स्कीम फॉर रूरल इंडस्ट्री सर्विस सेंटर RISC, इस तरह की स्कीम्स को मिलाकर स्फूर्ति में एमालगेमेट कर दिया गया था। रेडी वॉर्प यूनिट्स और भी रेडी वेयर मिशन, इस तरह के भी छोटे छोटे स्कीम्स थे, इनको भी इसमें शामिल कर लिया गया था। अब स्फूर्ति स्कीम काम कैसे करती है? तो देखो, स्फूर्ति स्कीम में क्या होता है, सबसे पहले एक स्कीम स्टेयरिंग कमेटी है। कोई पर्टिकुलर स्कीम आती है तो उसके लिए एक स्टेयरिंग कमेटी बनाई जाएगी, जिसमें सेक्रेटरी होगा मिनिस्ट्री ऑफ एमएसएमई का। तो ये हाईएस्ट लेवल की एक कमेटी है, ये प्रपोजल देखेगी कि हाँ भाई, इस एरिया में ये क्लस्टर बनाना है। मान लो कि राजस्थान का कोई पर्टिकुलर इलाका है, वहां पर ब्लू पॉटरी है, तो इस ब्लू पॉटरी का एक क्लस्टर डेवलप करना है, तो उसका प्रपोजल आएगा, उसको अप्रूव किया जाएगा। फिर दूसरे नंबर पर आती है नोडल एजेंसीज, ये वो संस्थान है जिनके पास एक्सपर्टीज है उस क्षेत्र की। मान लो जैसे कि खादी का कोई क्लस्टर डेवलप करना है, यहां पर ये एग्जाम्पल ले लेते हैं, तो उसके लिए किसको नोडल एजेंसी बनाया जाता है? KVIC को, खादी एंड विलेज इंडस्ट्रीज कमीशन। तो ये कमीशन कई सालों से काम कर रहा है, तो इसी को नोडल एजेंसी हमने बना दिया। फिर तीसरा होता है टेक्निकल एजेंसी, ये नोडल एजेंसी और स्कीम स्टीयरिंग कमेटी को
हेल्प करेंगे प्रपोजल को इम्प्लीमेंट करने के लिए। तो यहाँ पर कोई एक्सपर्टीज वाली संस्था हो सकती है, कोई एनजीओ की मदद ली जा सकती है, बेसिकली टेक्निकल हेल्प यहाँ पर इस टेक्निकल एजेंसी के थ्रू ली जाएगी। लेकिन एक्चुअल काम कौन करेगा? इम्प्लीमेंटिंग एजेंसी। तो इम्प्लीमेंटिंग एजेंसी का ये काम है कि एक तो क्लस्टर को प्रपोज करो, प्रपोज किसको करेंगे? यहाँ पर एसएससी को। और उसके बाद इम्प्लीमेंटिंग एजेंसी का काम होगा कि उस क्लस्टर को ग्राउंड लेवल पर इम्प्लीमेंट किया जाए। अब इम्प्लीमेंटिंग एजेंसी कोई सरकारी एजेंसी हो ये जरूरी नहीं है, सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट बता रहा हूँ आपको इस स्कीम का। इसमें कोई भी शामिल हो सकता है, चाहे कोई वो सरकारी संस्थान है, सेमी गवर्नमेंट संस्थान है, या फिर कोई पंचायती राज इंस्टीट्यूशन भी है, एनजीओ है, कोई भी इसके लिए अप्लाई कर सकता है। लेकिन एक इम्प्लीमेंटिंग एजेंसी को केवल एक ही क्लस्टर दिया जाता है, मल्टीपल क्लस्टर इन्हें नहीं दिए जाते हैं। तो इनका काम होगा कि जमीन आइडेंटिफाई करो, कहाँ पर ये क्लस्टर स्थापित किया जा सकता है, प्रॉपर स्टाफ वगैरह हायर किया जाए। जैसे एक फुल टाइम एग्जीक्यूटिव होगा जिसका काम होगा इस क्लस्टर को पूरे ग्राउंड लेवल पर उसकी देखरेख करना, उस प्रोग्राम को चालू करना, तो उसको कहते हैं क्लस्टर डेवलपमेंट एग्जीक्यूटिव, सीडीई। सीडीई का काम है मेनली कि इस प्रोजेक्ट को इंप्लीमेंट किया जाए। और इसी तरह के प्रोजेक्ट्स के अंदर बड़े स्तर के जो एनजीओ हैं वो यहाँ पर काफी इन्वॉल्व होते हैं। तो कौन कौन अप्लाई कर सकता है इसके लिए? आईए बनने के लिए, इंप्लीमेंटिंग एजेंसी बनने के लिए, कोई भी एनजीओ, सेंट्रल या स्टेट गवर्नमेंट का कोई भी इंस्टीट्यूशन, सेमी गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशन, फील्ड फंक्शनरीज ऑफ स्टेट एंड सेंट्रल गवर्नमेंट, पंचायती राज इंस्टीट्यूशन। अब सरकार यहां पर सहायता कितनी देती है? 8 करोड़ रुपए की फाइनेंशियल असिस्टेंस दी जाती है एक सिंगल प्रोजेक्ट के लिए। सूरती क्लस्टर्स दो तरह के होते हैं, जहां पर 500 या उससे कम आर्टिसंस हैं तो वहां पर 2.5 करोड़ रुपए तक की केंद्र सरकार के द्वारा सहायता दी जाती है रेगुलर क्लस्टर के रूप में। और मेजर क्लस्टर होगा जब 500 से ज्यादा आर्टिसंस हैं, 5 करोड़ से ज्यादा की यहाँ पर सहायता दी जा सकती है, 5 करोड़ तक की सहायता दी जा सकती है। फिर जैसा मैंने आपको बताया था कि स्टेक होल्डर्स को कैसे इन्वॉल्व किया जाता है, तो कोई भी क्लस्टर बनता है तो वहां पर जो आर्टिसंस हैं उनको एक सोसाइटी के रूप में ऑर्गेनाइज कर देते हैं। अब वो चाहे कोई रजिस्टर्ड सोसाइटी हो सकती है, कोऑपरेटिव सोसाइटी हो सकती है, एक नॉर्मल कंपनी हो सकती है अंडर द कंपनीज एक्ट 2013 सेक्शन 8 कंपनी हो सकती है, या फिर एक ट्रस्ट भी हो सकता है, डिपेंडिंग अपॉन की लोग क्या चाहते हैं या फिर कितना बड़ा क्लस्टर है उसके अनुसार उनको ऑर्गेनाइज किया जा सकता है। अब आगे बढ़ने से पहले आपको बताना चाहता हूं कि अनअकैडमी कॉम्बैट एक ऑल इंडिया लेवल का टेस्ट होने वाला है 28 फरवरी को 11 बजे, संडे को सुबह 11 बजे। यहां पर आपको कोई पैसे खर्च नहीं करने हैं, कोई रजिस्ट्रेशन चार्जेस नहीं है। ऑल यू हैव टू डू इज रजिस्टर ऑन दी अनअकैडमी प्लेटफॉर्म। आपको एक अनलॉक कोड वहां पर यूज करना होगा, महिपाल कोड यूज कर सकते हैं और इस ऑल इंडिया लेवल के टेस्ट में हिस्सा ले सकते हैं। यहां पर आपको चांस मिलेगा एक स्कॉलरशिप जीतने का। टोटल स्कॉलरशिप पूल जो है वो यहां पर 1 करोड़ रुपए का है, तो आपको अनअकैडमी की तरफ से ढेरों स्कॉलरशिप्स जीतने के यहां पर चांसेस हैं। और अगर आप एग्जाम की तैयारी करना चाहते हैं अनअकैडमी के माध्यम से, तो फिर आप अनअकैडमी प्लेटफॉर्म पर रजिस्टर कीजिए। यहाँ पर आपको कई सारी फ्री स्पेशल क्लासेस देखने को मिलेंगी, उसके अलावा कई पेड क्लासेस भी हैं जो आपको एक सब्सक्रिप्शन परचेस करने पर मिलेंगी। ये सब्सक्रिप्शन जीएस के लिए अवेलेबल है, ऑप्शनल के लिए अवेलेबल है, आइकॉनिक और प्लस दो तरह के यहाँ पर कोर्सेज हैं। प्लस में आपको क्लासेस मिलती हैं और आइकॉनिक में आपको क्लासेस प्लस एक पर्सनलाइज मेंटोर मिलेगा। तो अगर आप 1 साल के लिए सब्सक्रिप्शन परचेस करते हैं तो यहाँ पर 44,000 रुपीज प्राइस है, और ये प्राइस आपको देना है जब आप कूपन कोड अप्लाई करेंगे महिपाल। ठीक है, आपको ये 49,000 रुपीज पे नहीं करने, यू हैव टू अप्लाई द कूपन कोड एंड गेट अ 10% डिस्काउंट। और ऑप्शनल के लिए भी आपको यहाँ पर कूपन कोड लगाकर सीधा 10% डिस्काउंट मिल जाएगा। अगर आप आईएएस के अलावा किसी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो भी उसके लिए अनअकैडमी के कोर्सेज अवेल कर सकते हैं। यूज द कोड महिपाल एंड गेट फ्लैट 10% डिस्काउंट ऑन ऑल द कोर्सेज, ऑल द सब्सक्रिप्शन। अब आते हैं इस वक्त जो स्फूर्ति क्लस्टर्स हैं उनके बारे में। तो देखो अभी 371 क्लस्टर्स हैं, टोटल 2 लाख से भी ज्यादा आर्टिसंस यहां पर हैं। भारत सरकार 888 करोड़ रुपए की सहायता इन्हें प्रदान कर चुकी है। बजटरी एलोकेशन है 708 करोड़ रुपए का, इसमें से 567 करोड़ रुपीज रिलीज किया जा चुका है इस स्कीम के ऊपर अभी तक। तो जो मेजर क्लस्टर्स हैं वो किस सेक्टर के हैं वो मैं आपको बता देता हूं। हैंडीक्राफ्ट में 145 है, कॉयर इंडस्ट्री उसमें 41 है, बैम्बू इंडस्ट्री में 33, हनी में 25, फूड प्रोसेसिंग में 59। आपको यहां पर ये सारे आंकड़े याद नहीं रखने हैं, आप क्या याद रखो कि हैंडीक्राफ्ट नंबर 1 पे है और नंबर 2 पे क्या है? फूड प्रोसेसिंग। सेकंड नंबर पर है फूड प्रोसेसिंग, इतना याद रख लो तो भी चलेगा। तो ये जो 371 क्लस्टर्स हैं ये लगभग 250 डिस्ट्रिक्ट्स में फैले हुए हैं, 248 टू बी प्रिसाइज। और मिनिस्ट्री का टारगेट है कि भारत के हर जिले में एक क्लस्टर कम से कम हो। आप इनको देखना चाहते हैं राज्यवार, तो एमएसएमई की वेबसाइट से मैंने ये मैप लिया है। हालांकि मुझे नहीं लगता कि ये पूरी तरह से अपडेटेड है, बट आप समझ सकते हैं कि भारत के लगभग हर राज्य में ये क्लस्टर्स मौजूद हैं। 2020 में लॉकडाउन के दौरान वर्ल्ड बैंक ने भी भारत के एमएसएमई इंडस्ट्री को हेल्प करने के लिए $750 मिलियन का एक फंड अप्रूव किया था, ये भी आपको याद रखना है। और अब भारत सरकार जो है उस फंड को भी इस्तेमाल कर रही है और अपने बजट को भी इस्तेमाल कर रही है और नए क्लस्टर्स डेवलप किए जा रहे हैं। तो 50 नए क्लस्टर्स इनॉग्रेट किए गए हैं 3-4 दिन पहले, और मिनिस्ट्री ऑफ एमएसएमई ने 85 करोड़ रुपीज इन नए क्लस्टर्स को दिए हैं।
यहाँ पर लगभग 42,000 आर्टिसंस को सपोर्ट किया जाएगा। तो यहाँ पर अगेन खादी, कॉयर, हैंडीक्राफ्ट, इन्हीं पर मेन फोकस है, लेकिन लेदर इंडस्ट्री, पॉटरी, कारपेट वीविंग, एग्रो प्रोसेसिंग, सभी के क्लस्टर्स यहाँ पर शामिल हैं। इन राज्यों के अंदर ये क्लस्टर्स इनॉग्रेट किए गए हैं। राज्य याद करके कोई मतलब नहीं मिलने वाला है। हाँ, कुछ एग्जाम्पल मैं आपको दे देता हूँ। जैसे कि देखो, अरुणाचल में जो नितिन गडकरी जी ने खुद पर्सनली वो इनॉग्रेट किया था, वो खादी का सेंटर था, सिल्क खादी सेंटर, और ये स्थित था अरुणाचल प्रदेश के ईस्ट सियांग डिस्ट्रिक्ट में, ओयन गांव था। तो अरुणाचल के पीसीएस की तैयारी कर रहे हैं तो आपको गांव याद करने हैं, लेकिन मुझे नहीं लगता कि स्पेसिफिकली कोई गांव पूछा जाएगा। बट एक एग्जांपल दे रहा हूँ कि सिल्क खादी क्लस्टर स्कीम इस गांव में पर्टिकुलर शुरू करी गई थी अरुणाचल प्रदेश में। लेकिन अब इस स्कीम में कुछ प्रॉब्लम्स भी हैं, उसको नितिन गडकरी जी ने खुद भी एड्रेस किया था। आई हैव टू अप्रिशिएट दिस क्वालिटी अबाउट हिम कि उनके अंडर कोई भी मंत्रालय होता है, उसकी कमी होती है तो वो खुलकर उस पर बात करते हैं। ठीक है, तो इन्होंने ये कहा था कि देखो, अभी जो प्रोडक्ट्स हैं वो अट्रैक्टिवली डिजाइन नहीं है, उनकी मार्केटिंग इतनी अच्छी नहीं हो रही है, तो इसमें नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ डिजाइन अहमदाबाद की मदद ली जा सकती है ताकि इनको और अट्रैक्टिव बनाया जाए ट्रेडिशनल प्रोडक्ट्स को। उसके अलावा एक वेब पोर्टल बनाया जा सकता है, जैसे कि अमेजोन है, अलीबाबा है, ये बड़े एग्रीगेटर्स हैं, इन एग्रीगेटर्स पर ये सारे जो क्लस्टर के प्रोडक्ट्स हैं ये बेचे जा सकेंगे भारत में और अब्रॉड भी। और ये क्लस्टर्स को थोड़ा स्पीड अप करने की जरूरत है, क्योंकि अभी 371 में से केवल 82 क्लस्टर्स एक्चुअली में काम कर रहे हैं, दे आर एक्चुअली फंक्शनल, जबकि भारत सरकार का टारगेट है 5000 क्लस्टर्स को डेवलप करना। अब मैंने आपसे जो सवाल पूछा था शुरुआत में, उसका आंसर दे देता हूं। तो देखो, ये जो इंस्टीट्यूट ऑफ माइक्रो स्मॉल मीडियम एंटरप्राइजेस है ना, NIMSME, ये मंत्रालय से बिल्कुल अलग है, इसीलिए मैंने ये क्वेश्चन पूछा था। मिनिस्ट्री से इसका कोई संबंध नहीं है, ये इंडिपेंडेंटली काम करता है, मतलब ऐसे तो मिलजुल कर काम करते हैं लेकिन इट इज इंडिपेंडेंट ऑफ द मिनिस्ट्री। इट इज रजिस्टर्ड एज अ पब्लिक सोसाइटी एट हैदराबाद अंडर द पब्लिक सोसाइटीज रजिस्ट्रेशन एक्ट। तो इसका सही उत्तर है ए, कि इसका ओरिजिनली इसकी स्थापना कैसे हुई थी, सेंट्रल इंडस्ट्रियल एक्सटेंशन ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट के रूप में नई दिल्ली में 1960 में एज अ डिपार्टमेंट अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ इंडस्ट्री एंड कॉमर्स, लेकिन बाद में इसका नाम बदल दिया गया है। तो इसी के साथ ये लेक्चर समाप्त होता है, और आप लोगों ने कहा है तो मैं हिस्ट्री की सीरीज जल्द ही शुरू करूंगा। 1 मार्च से मॉडर्न इंडिया की हिस्ट्री की सीरीज शुरू होगी। लेक्चर्स के PDF डाउनलोड आप यहां से कर सकते हैं टेलीग्राम से, और लाइक बटन को जरूर हिट करें अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो, और सब्सक्राइब जरूर करें। मेरे पास जो डेटा है यूट्यूब का, उसके अनुसार अभी भी बहुत से लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है जो वीडियोस को देख रहे हैं। सो प्लीज हिट द सब्सक्राइब बटन एंड प्रेस द बेल आइकन एज वेल। थैंक यू।